हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक एंड क्रिप्टो। डे बाय डे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर रोज स्टॉक मार्केट धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो ऐसे केस में बहुत से लोग मार्केट से निकलते जा रहे हैं इन द फियर ऑफ लूजिंग देयर एंटायर मनी। लेकिन दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सेलिंग के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट डंप होता है इट गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब भी मार्केट चढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए, लेकिन जब दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का असली टाइम आता है तो बहुत से लोग मार्केट से चले जाते हैं। बट दैट्स नॉट राइट। अगर मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए जब डंप आता है तभी हमें बाय करना है, और उसमें भी दोस्तों एक साथ पूरा बाय कर लेना नहीं है। जैसे समझो आज एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2000 रुपये, कल को वो स्टॉक का प्राइस सडनली अगर 1800 रुपये हो गया तो हमें फटक से बाय नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्यों डाउन हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और क्या ये फर्दर डाउन होगा। अभी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि मार्केट और गिरेगा क्या, इसका आंसर तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि नेक्स्ट मिनट हमारे साथ क्या होने वाला है हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मार्केट गिरना कभी बंद होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो आप बाइंग करिए, लेकिन पार्ट्स में बाय करिए। मार्केट जब थोड़ा गिरता है तो थोड़ा सा बाय करिए, और गिरता है तो और थोड़ा बाय करिए, ऐसा पार्ट्स में बाय करिए, ताकि आपको लोअर से लोअर रेट में अच्छा स्टॉक मिल सके और फ्यूचर में जब मार्केट पंप होगा तो आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो चुके होंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मार्केट एक बार डंप हो गया तो पंप होगा ही नहीं। हिस्ट्री में बहुत बार स्टॉक मार्केट डंप हुआ है, यानी स्टॉक मार्केट बहुत सीवियरली क्रैश हुआ है, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट उठा भी तो है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी बैड इवेंट होता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर होता है। तो दोस्तों अभी हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वॉर सिचुएशन होने के बाद किस तरह मार्केट रिकवर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 9/11 अटैक की, जो हुआ था 2001 में। जब ये अटैक हुआ था तो इंडियन स्टॉक मार्केट 16% से गिरा था, लेकिन उसके 3 महीने बाद क्या हुआ, जो मार्केट 16% से गिरा था वो मार्केट 24% से उड़ गया, और अगले और 3 महीने यानी टोटल मार्केट क्रैश के 6 महीने बाद 30% से बढ़ चुका था। ऑन द अदर हैंड अगर इराक कुवैत वॉर की बात करें तो वो टाइम पे भी मार्केट 13.3% से क्रैश हुआ था, लेकिन उसके 3 महीने बाद 2% से बढ़ा और 6 महीने बाद 16% से ग्रो हुआ था। सेम विद द कोरियन वॉर। जब कोरियन वॉर हुआ था तभी भी स्टॉक मार्केट 12% से क्रैश हुआ था, लेकिन उसके 3 महीने बाद 15% से उठा और उसके 6 महीने बाद 19% से ग्रो हुआ। तो ऑन एन एवरेज हर वॉर के टाइम जो निफ्टी इंडेक्स है वो 16.5% से डाउन होता है, लेकिन उसके 3 महीने बाद 23% से अप होता है और 6 मंथ्स बाद 34% से अप होता है। तो यही तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का मेन गोल्डन रूल है, बाय इन डंप एंड सेल इन पंप। क्योंकि जैसे प्राइसेस नीचे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ले, ताकि जब मार्केट चढ़ना शुरू हुए तो आप पार्ट्स में सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट्स बुक कर ले। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी आप एक बड़ा विजन लेके आया हो कि मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का टाइम है 7 इयर्स 8 इयर्स 9 इयर्स, तो आपको पंप और डंप से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो आपके हिसाब से जो रेगुलर इन्वेस्टिंग है वो चालू रखनी है, क्योंकि आपका गोल जब तक पहुंचता नहीं है तब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्यों छेड़ोगे। और कोई भी स्टॉक अगर आपने खरीदा है और 8 या 9 सालों के लिए उसे होल्ड किया है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स देगा ही। बहुत ही ज़्यादा बैड लक है, जैसे कि येस बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, तो ऐसे एक दो केसेस में लॉन्ग टर्म में लोगों को लॉसेस हुए हैं, वरना इन ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स पीपल मोस्टली हैव प्रॉफिट्स ओनली। तो भी दोस्तों कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो खुद की फंडामेंटल रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना, क्योंकि फंडामेंटल्स पे की हुई जो इन्वेस्टिंग है वो असली में वैल्यू इन्वेस्टिंग साबित होती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।